सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्वागत है बच्चों आपका अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी पे। मैं गौतम प्रसाद। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो 12th क्लास वाले के लिए है, जो CBSE बुक फर्स्ट का जो चैप्टर 3 है वो आपका समकालीन विश्व में अमेरिका का वर्चस्व, वो टॉपिक है हमारा और चैप्टर का नाम भी यही है हमारा। तो बच्चों जो इस चैप्टर में जो हम जानेंगे जो अमेरिका का वर्चस्व किस तरीके से पूरे विश्व में फैलता चला गया और धीरे धीरे उसमें क्या क्या घटनाएं घटी, उसकी भारत के साथ क्या मित्रता थी, नई विश्व व्यवस्था किसे कहते हैं, 9/11 की घटना क्या थी और इन सभी चीजों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो वो आपका टॉपिक वाइज टॉपिक मैंने आपको यहां पर दे रखा है इस टॉपिक के, नई विश्व व्यवस्था। इस तरीके से हम जो जितने भी हैं आपके सबके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जो इसमें पढ़ेंगे नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत और हमारा क्विंटल का दौर, 9/11 आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध क्या थे, क्या क्या कदम उठाए अमेरिका ने वो, और अमेरिकी शक्ति के सामने अवरोध कौन कौन से हैं, फिर इराक पर आक्रमण, और एक था भारत में अमेरिका से भारत के संबंध किस प्रकार के रहे, इन सभी के बारे में। चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत कैसे हुई। जब द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ 1945 में बच्चों द्वितीय विश्व युद्ध क्या हुआ, समाप्त हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, SWW। तो ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही समाप्त हुआ था दो महाशक्ति निकल कर आई आपकी, एक तो US और एक हमारा नंबर वन ये हो गई और दूसरा नंबर हमारा क्या थी, USSR। तो ये आई, तो दो महाशक्ति जब निकल कर आई तो इस समय क्या हुआ, इसी समय इन दोनों के बीच में क्या चल गया, शीत युद्ध। अब दोनों के बीच में चला और एक क्या हुई, एक शक्ति समाप्त हो गई। कब, जो हमने इसे पिछली क्लास में बताया था आपको, इसका क्या हो गया था, यही है सोवियत संघ, इसका 1991 में क्या हो गया, विघटन हो गया। तो बच्चों आप ये सोचिए, दो जने हैं, एक जना खत्म हो जाता तो एक कौन बचेगा, तो ये बचेगा, तो ये क्या होगा, शक्तिशाली होगा। ये सोवियत संघ था और ये क्या था, अमेरिका थी। तो जैसे ही सोवियत संघ खत्म हो गया 1991 में तो विश्व में एकमात्र शक्ति बच जाएगी, वो क्या थी, अमेरिका। और अमेरिका का पूरे विश्व में डंका बजने लग गया, सैन्य शक्ति के मामले में, आर्थिक में, सभी क्षेत्र में यह आगे थी, अव्वल दर्जे पे थी। और ये क्या हुआ, नई विश्व व्यवस्था के रूप में उभर के आती है। तो इसी समय 1990 में क्या हुआ, इराक ने कुवैत पर आक्रमण कर दिया, मतलब हमला कर दिया। अब यह हमला हुआ तो यह घटना किसको पता चली, संयुक्त राष्ट्र संघ को। बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, जो हमारे पूरे देश की निगरानी, उसमें आपसी मतभेद को सुलझाने का कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है बच्चों। तो उन्होंने क्या किया, इसको अनुमति दी कुवैत को मुक्त कराने की, और वो भी बलपूर्वक, चाहे कुछ भी हो जाए इसको आजाद कराना है, इसको छुटवाना है किससे, इसके चंगुल से, कुवैत के। तो उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश, उन्होंने क्या किया, जैसे उनको पता चला तो उन्होंने, राष्ट्रपति ने इसको क्या कहा, नई विश्व की संज्ञा दे दी। और अमेरिका ने 34 देश के 6,60,000 सैनिकों के साथ क्या किया, इराक पर हमला बोल दिया और सद्दाम हुसैन को घुटने टेकने पड़ गए। और इस स्थिति में वह क्या हुए, कुवैत को मुक्त करा दिया। लेकिन कुवैत को तो मुक्त करा दिया बच्चों, इसी को यह क्या किया गया था, इस एक संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक ऑपरेशन चलाया था, इस ऑपरेशन को क्या कहा गया बच्चों, ये था आपका ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म। तो आपसे पूछा जाएगा ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म पूछ ले चाहे ये पूछ ले, तो इसके जरिए ही 34 देश के जो 6,60,000 सैनिक थे उसने हमला किया। तो इसमें क्या हुआ, बहुत सारे लोग भी मारे गए, ठीक है,
और इसी को क्या कहा जाता है, प्रथम खाड़ी युद्ध। आपसे पूछा जाएगा प्रथम खाड़ी युद्ध क्या है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किसने चलाया, ठीक है ना, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएगी, तो ये आपको बताना है, ठीक है ना बच्चों। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रथम खाड़ी युद्ध। इसी को बच्चों हम एक चीज और कहते हैं, कंप्यूटर युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि इसी समय अलग अलग प्रकार के बम का प्रयोग किया गया था। तो ये बच्चों हमारी नई विश्व व्यवस्था समझ में आ गई आप सभी को। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा जो है क्विंटल का दौर। तो बच्चों हम जो क्विंटल के दौर में जो हम जानेंगे, सबसे पहले हम इसको अब देखिए क्विंटल का दौर क्या था। तो जैसे ही जब अभी मैंने आपको बताया इसे क्या कहते हैं, प्रथम खाड़ी युद्ध, खाड़ी युद्ध, ठीक है बच्चों। तो अब आगे जैसे ही ये समाप्त हुआ 1990 में ये हुआ था, जैसे ही समाप्त हुआ तो उसके बाद क्या हुए, 1992 में डेमोक्रेटिक पार्टी के एक जो उम्मीदवार जो खड़े हुए थे आपके, तो वो जैक्सन के सामने खड़े हुए थे विपक्ष में, लेकिन वो चुनाव हार गए और क्विंटल जी जीत गए। और उसके बाद 1996 में भी क्विंटल क्या हुए, वह एक बार दोबारा राष्ट्रपति चुनाव जीत जाते हैं। तो ये क्या होता है 1992 में, फिर उसके बाद 1996 में, ये जीतने के बाद क्या करते हैं, कुल 8 वर्ष तक क्या रहते हैं, राष्ट्रपति पद पर रहते हैं। इन्हीं के समय में बच्चों एक चीज क्या हुई, 1996 में चुनाव में जीतने के बाद तो ये वाद राष्ट्रपति बने, और 1999 में एक घटना घटी। अब वो घटना क्या थी, 1999 में एक घटना घटी आपकी, वह था बच्चों जो क्विंटल थे अलकायदाओं को समाप्त करने के, जितने भी जो आतंकवाद थे तो उसको समाप्त करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक ऑपरेशन चलाया, और उस ऑपरेशन का नाम क्या दिया, ये आपको मैं जल्दी देता हूं, ऑपरेशन ऑपरेशन इन फाइट नाइट रिच, ठीक है, अलकायदाओं को समाप्त करने के लिए उन्होंने ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच चलाया। आपसे पूछा भी जाएगा किसने चलाया था, तो क्विंटल ने चलाया था भैया। तो इसमें मुख्य उद्देश्य क्या था, अलकायदा को कम करना, और जितने भी सूडान अफगानिस्तान के जितने भी जो हिस्से थे जो आतंकवादियों के उग्रवादियों के, तो उसमें यह खदेड़ कर उसको निकाला गया और उसको क्रूज मिसाइल से दाग दिया गया, मतलब क्रूज मिसाइल उस पर लगा दिया, सीधा उनको उड़ा दिया, खत्म कहानी। तो आगे ये हमारा है, आपको ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच बता दिया, ये हमारा 9/11 की घटना बच्चों। ये हमारा क्वेश्चंस कम से कम इस बुक से जो चैप्टर आता है हमारा 8 मार्क्स का आता ही आता है बच्चों, ये नोट कर लीजिए आप सभी, 100% ये आएगा ही आएगा। तो अब आइए, अब वो कैसे कैसे पूछ लेंगे, कोई 6 मार्क्स का, कोई 4 मार्क्स का, तो वो हम बताएंगे आपको, तो के लिए देखते रहिए वीडियो। तो 9/11 की घटना क्या है बच्चों, जिस तरीके से हमारे में पहले डेट आती है फिर मंथ आती है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता बच्चों। तो ये क्या है, 11 सितंबर 2001 में क्या हुआ, 19 अपहरणकर्ता ने क्या किया, 4 विमान को अपने अंडर में ले लिया, हाईजेक कर लिया। अब उसी समय क्या हुआ बच्चों, जैसे उन्होंने अपने अंडर में ले लिया और इसी समय एक घटना और घटी, तो इन 4 विमानों को अलग अलग जगहों पर क्या किया गया, इसको छोड़ दिया गया। तो सबसे पहले जो 2 विमान थे, 2 विमान को क्या किया गया बच्चे, जो 2 विमान थे आपके, वो पेंटागन में जितनी भी जो थे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एक वहां की बिल्डिंग है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, तो इसके जितने भी जो उत्तरी आपका उत्तरी और दक्षिणी की ओर छोड़ दिए गए थे 2 विमान। उसके बाद बच्चों जो तीसरा विमान था, बच्चों देखो तीसरा जो विमान क्या कह गया, एक जो पेंटागन है वहां पर गन में छोड़ दिया गया, और जो चौथा विमान था बच्चों, चौथा विमान उसको कहां पे छोड़ा गया बच्चों, वह था एक पेंसिलवेनिया का खेत था, पेंसिलवेनिया पेंसिलवेनिया के खेत में जाके गिर गया। तो ये था, तो
इस चीज का बदला लेने के लिए इसमें क्या हुआ बच्चों, कम से कम बहुत लोग 3000 से ऊपर लोग मारे गए, जिसके कारण क्या हुआ अमेरिका ने, और इसी टाइम वो कौन थे, तो जैसे ये घटना घटी तो ये इससे बड़ा अमेरिका बहुत दुखी हुई और उन्होंने क्या किया इससे बदला लेने के लिए तुरंत एकदम से कौन आ गए, एकदम से ही बच्चों क्विंटल आ गए। और जॉर्ज बुश की राष्ट्रपति थे वह, उन्होंने क्या किया जैसे जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश इस समय आए और उन्होंने क्या किया एक कड़े कठोर फैसले लिए, और कठोर फैसले के जरिए उन्होंने क्या किया आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णय लिया तगड़ा वाला, और उन्होंने क्या किया एक ऑपरेशन चला दिया। अब वो ऑपरेशन कौन सा था, ऑपरेशन एंड्रिंग फ्रीडम एंड यूरिन फ्रीडम। तो इस ऑपरेशन के जरिए बच्चों ये चलाया गया अलकायदाओं के लिए, जितने भी जो अलकायदा थे उनको पकड़ के क्या किया गया खदेड़ दिया गया, और उनकी खबर संयुक्त राष्ट्र संघ को भी नहीं होने दी। संयुक्त राष्ट्र संघ को भी पता नहीं था कि ऊपर सटा हुआ एक जो उसका द्वीप समूह वहीं पर एक बहुत बड़ा जेल है, वहीं पर बंद करके इसको कारावास की सजा दी गई इन सभी जितने भी जो अलकायदा थे। तो आते हैं बच्चों हम आगे, हमारा आते हैं ऑपरेशन इराक। ये जो इराक है अभी है क्या इराक पर आक्रमण, तो बच्चे इराक पर आक्रमण जो 2003 में क्या हुआ इराक पर आक्रमण किया, और यही था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ठीक है बच्चों, अब ऑपरेशन इराकी फ्रीडम में क्या हुआ बच्चों, अमेरिका ने क्या किया इसके ऊपर आक्रमण की, और आक्रमण जैसे ही किया तो इस समय क्या हुआ बहुत सारे लोग क्या हुए क्षति, बहुत सारे लोगों को क्षति पहुंची, और क्षति पहुंचने के बाद क्या हुआ इसको बहुत नुकसान हुआ अमेरिका को, अमेरिका को कई ज्यादा सैनिक उसके मारे गए, और उससे ज्यादा ईरान इराक की जो सेना थी वह भी मारी गई। और इसी समय क्या हुआ बच्चों, जैसे उन्होंने इसके ऊपर आक्रमण किया एक चीज सामने आई सबसे बड़ी जो निकल कर आई थी बच्चों, वह था आपका कि इन्होंने किस वजह से इसके ऊपर आक्रमण किए। सबसे पहली चीज हम इसी चीज में जानेंगे, क्योंकि भैया ये जो है यहां पर तेल के भंडार है, और वो अमेरिका क्या चाहती थी इसको अपने अंडर में करना चाहती थी, और इसीलिए उन्होंने क्या किया अपने हित के लिए उसके ऊपर आक्रमण किया, और वहां क्यों सद्दाम हुसैन जो वहां की जो सरकार थी और उसको घुटने टेकने को उसको मजबूर कर दिया और हारे की। और सद्दाम हुसैन ने इसी को क्या कहा यह 100 जंगों की एक जंग होगी, आपसे पूछा जाएगा किसका वाक्य है तो आपको बताना है बच्चों। ठीक है, तो ये था हमारा ऑपरेशन इराक फ्रीडम, जो इराक पर आक्रमण किस तरह से किया 2003 में किया गया था। ठीक है बच्चों, तो ऑपरेशन इराक फ्रीडम इराक से ही संबंधित लगता है। अब अमेरिकी शक्ति के सामने आने वाले अवरोध कौन कौन से बच्चों, हम इस बारे में डिसीजन कर लेते हैं। अब देखिए जो अमेरिकी शक्ति के सामने जो अवरोध है तो वो किस किस तरीके से, सबसे पहले जो क्या है संस्थागत बुनावट प्रणाली। अब इसमें क्या हुआ जो कार्यपालिका आई और उसके जितने भी जो काम करने के ढंग थे, अनमने जो अनपढ़े ढंग से करती थी मतलब कि बेवजह कर लेती थी, उसके ऊपर कार्यपालिका ने क्या कर दिया रोक लगा दिया सबसे पहला। उसके बाद बच्चों क्या होता है इसके ऊपर एक रोक किसने लगाई, जो थी आपकी नाटो ने भी इसके ऊपर रोक लगाई। उसके बाद बच्चों ये तो आपका हो गया अमेरिकी शक्ति के सामने आने वाले अवरोध, तो अवरोध क्या है जो अमेरिका को आगे जाने से उसको रोकती थी, आगे जाने का मतलब जो बेदखल अंदाजी जो करती थी अपनी मनमानी तो उसको करने से ये रोक लगाती थी कौन, ये जो संस्थागत प्रणाली है नाटो के जितने भी सदस्य है वो, और इसकी जितनी भी संसाधन व्यवस्था है वह भी इसको रोक लगाती थी, ताकि यह इसके सामने ही बार बार अवरोध का सामना इसको करना पड़ता था। तो एक बच्चा हमारा जो इसमें टॉपिक है वो भी हम पढ़ लेते हैं इसी में, अब ये इसमें जो हमारा है अमेरिका का सैन्य वर्चस्व। बच्चों आपको मैं एक चीज बता दूं, जितना कि ये देखो मिसाइल है जैसे
ठीक है, और ये 12 देश हैं, और ये क्या है अमेरिका, और ये क्या है सैन्य खर्च, और इसके कितने हैं 432 करोड़, ठीक है, और ये क्या है 415 लगा लीजिए करोड़ सैन्य। तो जितना इसमें क्या है 12 देश सम्मिलित है, और ये क्या है पूरा इसी में क्या है यूएस, तो ये अकेला जितना 12 देश मिलकर अपनी सैन्य शक्ति पे खर्च करते हैं उतना अमेरिका ही अकेले ही खर्च करती है, इसीलिए इसकी जो सैन्य शक्ति है वो बहुत ज्यादा है, और इसकी मनमानी तो और ज्यादा बढ़ गई जब जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और सोवियत संघ के विघटन के बाद ये एक बड़ी शक्ति वहां उभर कर आई, और इसका जो ढांचा है अर्थव्यवस्था विश्व में इसका डंका बजने लग गया, और आपको बता दूं इसके पास वीटो पावर भी है, जिसके कारण वो क्या करती है हर किसी चीजों में दखल अंदाजी भी वो करने की कोशिश करती है। तो इसकी सैन्य शक्ति जो है बच्चों बहुत अच्छी है, इसके पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जो कि अपने घर में बैठे हुए किसी को भी निशाना बना सकती है, अपने साथ सकती है, तो इसीलिए ये जो इसकी सैन्य शक्ति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब हमारा जो अंतिम जो है टॉपिक है बच्चों, हम उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले वो है हमारा सबसे पहला भारत, अमेरिका और भारत के संबंध किस प्रकार के रहे बच्चों। अब जैसे कि आपको पता होगा आज भी वर्तमान समय में अभी जो लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में हम इंडिया ने भारत की जैसे सहायता की वैसे उसी तरीके से भारत और जो अमेरिका के संबंध है शुरुआती दौर से तो सही नहीं रहे हैं, लेकिन परंतु बाद में जाकर ये बहुत ही अच्छे हो गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसमें जो अमेरिका और भारत के जो संबंध है ये देखिए हम इसमें बताते हैं आपको, सबसे पहला जो संबंध है, अब जितने भी जो भारत में जितने भी सॉफ्टवेयर आते हैं बच्चों, सॉफ्टवेयर जितने भी आते हैं उसका 62% क्या होता है भारत की कुल निर्यात कौन करती है अमेरिका करती है पूरा 62%, तो कहां से आते हैं अमेरिका से। अब दूसरी चीज आई है बच्चों इसमें क्या है, सबसे पहली चीज इसमें अब कई चीजें ऐसी हैं, अब अमेरिका के कई शहर ऐसे हैं जहां पर कि एक बोइंग जो जगह है बोइंग वहां पर बच्चों 35% लोग जो कर्मचारी हैं वो कहां के हैं भारतीय मूल के, ठीक है। उसके बाद यहां पर 3 लाख भारतीय जो आपका सिलिकॉन वैली है, सिलिकॉन वैली, तो यहां पर क्या है 3 लाख लोग यहां पर रहते हैं, ठीक है। तो अब आइए इसी में तो कई चीजें ऐसी हैं, अब वर्तमान समय में हमने क्या किया है अमेरिका के साथ बहुत अच्छे संबंध बना लिए हैं, चाहे वो तकनीकी हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में भी हो, तो हमने उसके साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलने लग गए हैं। तो हमने क्या ये चीजें ऐसी चीजें हैं वेस्टर्न कल्चर को भी अपनाया है, संस्कृति पहनावा ओढ़ावा नैकडोलीकरण ये सब चीजें, बर्गर पिज्जा ये सारी चीज वहीं कही है बच्चों, कोल्ड ड्रिंक ये सारी चीजें। तो अब इसमें क्या है एक चीज आपको और बता दें इसी में, जितने भी जो हाई टेक्नोलॉजी थी जो कंपनियां जो लगी वो भारतीय जो कर्मचारी थे उन्हीं की सहायता से लगी अमेरिका में। तो इस तरीके से भारत और अमेरिका के संबंध रहे हैं। तो ये चैप्टर आपका बच्चों पूरा हो गया, सबसे ज्यादा आपको 9/11 याद रखना है, प्रथम खाड़ी युद्ध और आपका इराकी फ्रीडम। तो जितने भी जो ऑपरेशन है बच्चों अगर आपको इसे नोट चाहिए आप मैसेज कीजिए, मेल कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तो आप मैं आपको नोट सेंड कर दूंगा। तो जब तक के लिए आप इस वीडियो को दूसरे फ्रेंड्स को भी भेजिए ताकि बच्चों ये जो टाइम पीरियड है आपका बहुत अनमोल है,
और इस लॉकडाउन में हम अपना कोर्स यदि हम समाप्त कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। ये आज हमारा तीसरा चैप्टर हो गया, धीरे धीरे हम इस नौवे चैप्टर तक भी आएंगे। तो हमारी ऑलमोस्ट फर्स्ट बुक खत्म हो जाए लॉकडाउन तक, हम यही कोशिश करेंगे। आप सभी अपने दोस्तों को भी भेजिए, अपने इस लॉकडाउन का पूरा पूरा फायदा उठाएं बच्चों। ये हमारा बहुत वैसा टाइम है जिस टाइम पे हमें ज्यादा पढ़ना चाहिए, और इस टाइम हमें कोई दिक्कत नहीं है, घर पर ही रहना है, खाना है, पढ़ना है, सो जाना है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, इस तरीके से वीडियो देखते रहें।